नमस्कार दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं समीकरण संतुलन। कहने का मतलब, यदि दी गई समीकरण है उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। दोस्तों इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो इसको अपन संतुलित करेंगे, मतलब बराबर मात्रा में लिखेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन दो है, यहाँ एक है, तो अपन दो का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें हाइड्रोजन कितना हो गया, तीन दूनी छः, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो तीन का गुणा कर दें। दोस्तों ये समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार यदि हम और समीकरण देखते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। दोस्तों समीकरण संतुलित करते समय दोनों पक्षों में हमें किसी भी तत्व को चूज करना है। जैसे हाइड्रोजन को चूज किए, तो हाइड्रोजन में देखते हैं तो कि दोनों पक्षों में हाइड्रोजन की संख्या समान है, अपन इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ दो है और यहाँ एक है, तो अपन यहाँ दो का गुणा कर दिए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दो हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो, दो कंप्लीट हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, दो दूनी चार, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो अपन यहाँ भी दो का मल्टीप्लाई, दो दूनी चार। इस प्रकार दोस्तों ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यदि बात करें हम कुछ, जैसे C2H2 और ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है दोस्तों, और H2O बनाता है। अब यदि इसकी वैलेंसी करें तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, दो, और यहाँ कितनी है, एक, मतलब तीन, और यहाँ कितना है दोस्तों, दो। यदि हम एक का गुणा करें तो दो एक कम दो, तीन से ज़्यादा नहीं हो रहा है, हम किसका गुणा कर दें, दो का गुणा कर, दो का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा। अब अपन यहाँ दो का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो का गुणा कर देंगे तो दो, मतलब दो और दो कितना हो जाएगा, चार। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट। लेकिन जैसे यहाँ दो का गुणा करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या जैसे अपन यहाँ दो का गुणा किए तो बढ़ गया, दो दूनी चार। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो, तो फिर यहाँ हमको दो का गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखें, दो दूनी चार, हाइड्रोजन की संख्या कंप्लीट, लेकिन कार्बन की संख्या दो दूनी चार, और यहाँ कितना दिख रहा, एक, तो हमको कार्बन की संख्या हमें बराबर करने के लिए चार का गुणा करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना हो गया, तो चार दूनी आठ, और आठ दो दस, इसलिए दोस्तों यहाँ पर फिर पाँच का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए आपको पहले रफ कार करना, इसके बाद फेयर में करना दोस्तों, क्योंकि समीकरण संतुलन एक बार में नहीं होता। एक का गुणा करो, दो का गुणा करो, तीन का गुणा, जब तक बराबर ना हो तब तक आप यही स्टेप अपनाते रहिए। यदि हम एकाधिक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया करके सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है। दोस्तों अब इसको अपन कैसे बराबर करेंगे, सल्फर की संख्या बराबर है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ चार है, यहाँ तीन है, एक का गुणा करेंगे तो तीन एक कम तीन, इसलिए हम दो का गुणा करते हैं। दो का जैसे गुणा करेंगे, तीन दूनी छः हो गया, सल्फर हो गए दो, तो दो हम यहाँ गुणा कर दिए, तो दो सल्फर कंप्लीट, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या दो दूनी चार, और चार दो छः, और तीन दूनी छः। इस प्रकार से समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया दोस्तों। एकाधिक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे बेरियम ऑक्साइड है दोस्तों, इसकी क्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनाता है, बेरियम क्लोराइड बनाता है और प्लस CO2 बनाता है। अब वैलेंसी की बात करें तो देखिए, यहाँ पर Cl कितने हैं, फोर, यहाँ पर Cl कितने हैं, दो, तो यहाँ हम दो का मल्टीप्लाई कर सकते, दो दूनी चार, चार कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ बेरेलियम की संख्या बढ़ गई, अब बेरेलियम की संख्या यहाँ एक हो गई, एक सॉरी दो हो गई, और यहाँ कितनी है, एक, तो अपन यहाँ भी क्या कर दें, दो का गुणा कर दी, बेरेलियम भी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, कार्बन एक, तो कार्बन एक हो गया। इस तरह से ऑक्सीजन की भी संख्या क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जैसे हम कैल्शियम की क्रिया करा दें, किसके साथ, H2O के साथ, कैल्शियम की क्रिया कराए H2O, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस H2। अब देखें दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन, कैल्शियम यहाँ एक है, यहाँ कैल्शियम एक है, कंप्लीट है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या बात करें हम, तो ऑक्सीजन यहाँ कितने दिख रहे हैं, दो, यहाँ सिंगल है, तो अपन दो का गुणा कर दिए। अब देखें हाइड्रोजन की संख्या दो दूनी चार, यहाँ दो हाइड्रोजन और यहाँ दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की संख्या बराबर, मतलब ये समीकरण संतुलित है। और यदि हम कार्बन है हमारे पास और H2SO4 है, आपस में क्रिया करा दें तो क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 बनाता है दोस्तों, और प्लस H2O बना लेता है।
अब इसकी हमको वैलेंसी देखनी है। एच टू देखें तो एच टू कंप्लीट, कार्बन यहाँ पे है कार्बन यहाँ कंप्लीट, सल्फर है सल्फर यहाँ कंप्लीट। अब हमको ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है दोस्तों, दो दो चार और एक पाँच, और यहाँ कितना चार, बढ़ाने के लिए एक का गुणा करेंगे, चार एक कम चार नहीं बढ़ेगा, अपन दो का गुणा कर दिए कितना हो गया, चार दूनी आठ हो गया। अब दो का गुणा किए जैसे ही हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो अपन दो का गुणा यहाँ पे कर दिए, तो दो दूनी चार हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। लेकिन सल्फर की संख्या देखें तो सल्फर की संख्या यहाँ दो है, यहाँ कितना है, यहाँ भी दो का गुणा कर दिए। इस प्रकार ऑक्सीजन दो और दो दूनी चार और दो मतलब आठ ऑक्सीजन संतुलित हो गया, कार्बन एक है तो कार्बन एक, इस प्रकार से समीकरण क्या हो गए दोस्तों, संतुलित हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों रासायनिक समीकरण संतुलन करना है, ठीक है, ये पार्ट वन था। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिए, मैं पार्ट टू भी डालूंगा। इसी कंसेप्ट से दोस्तों पूरे समीकरण आप संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम केमिस्ट्री के बेसिक से बेसिक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, बस आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और हम केमिस्ट्री को आसान से आसान तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको कठिन भी चीज़ आसान बन जाए और आप आसानी से समझ सकें।